शुरू करते हैं यामा से। यामा का एफजेड एस जिसमें अभी डुअल डिस्क वेरिएंट आ गया है, वो आपको 1 लाख में तो नहीं मिलेगा, 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। और उसमें ना ही एबीएस है ना कुछ है, बस लुक वाइज वो काफ़ी अच्छा है, जापनीज इंजन है और काफ़ी रिलायबल है, लेकिन मेनली उसके लुक के लिए ही यामा पैसे ले रहे हैं। और खाली एक डबल डिस्क बाइक को अगर आप 1 लाख के ऊपर के प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं तो आप यामा एफजेड एस ले सकते हैं। दूसरा आप होंडा की तरफ जाते हैं तो होंडा में जो एक्स ब्लेड है, एक्स ब्लेड आप 1 लाख से कुछ नीचे आपको मिल जाएगा, 90,000 के आसपास, 88,000 उसका एक शोरूम प्राइस है, तो 90,000 के रेंज में आपको एक्स ब्लेड मिल जाएगा। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि एक्स ब्लेड में काफ़ी नई तकनीकें दिए गई, जैसे एलईडी लाइट्स है, रोवो फेस एलईडी लाइट, और डिज़ाइन भी अच्छा है, कलर स्कीम्स अच्छे हैं, लेकिन उसका पीछे में भी डिस्क नहीं है, रियर डिस्क उसका नहीं है, सिंगल डिस्क के साथ एक्स ब्लेड आपको मिलेगा। लेकिन बाइक काफ़ी हल्की होने के कारण पिकअप बहुत अच्छा है बाइक का, काफ़ी स्मूथ इंजन है होंडा का। और अगर आप एक विदाउट रियर डिस्क बाइक को अबव 90,000 ख़रीदना चाहते हैं तो आप एक्स ब्लेड की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद हम हॉर्नेट का ही बात करेंगे, जो कि होंडा की और एक बाइक है, जो कि बहुत साल पहले, 2 साल पहले आ चुकी है, लेकिन फ़िलहाल उसमें एबीएस वर्सन आ गया है। उसकी बात करें तो उसका एबीएस वर्सन आपको 1,07,000 के आसपास मिल जाएगा, जो उसका प्रीमियम मॉडल है। उसमें आपको एलईडी लाइट्स भी मिलेंगे और एबीएस भी मिलेगा, लेकिन उसके एलईडी जो है इतने इफ़ेक्टिव नहीं लगते मुझे, अच्छे हैं लेकिन डोमिनर टाइप का, इतना भी अच्छा फोकस, इतना ब्राइटनेस, इतना हाई इंटेंसिटी लाइट नहीं है, फिर भी ठीक है, पहले के हिसाब से अच्छे लाइट्स हैं, और वो भी एक विकल्प आपके लिए हो सकता है। उसके बाद हम बजाज में जाते हैं तो बजाज का एक किफ़ायती पल्सर अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें कि टैंक के जो फिन्स हैं वो नहीं है, टैंक फिन्स नहीं है, आपके रियर डिस्क नहीं है, एकदम जो बेसिक सा पल्सर पहले था 2007-8 में, वही पल्सर रीलॉन्च हो गया है, और वो आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में, जो कि ऑन रोड आपको 75,000 में वो पल्सर मिल जाएगा। तो अगर आप वापस उसी पल्सर में जाना चाहते हैं और आपको पल्सर के प्रति कुछ खास लाइकिंग है, आपका ड्रीम बाइक है पल्सर, तो आप वो ले सकते हैं काफ़ी सस्ते दाम में, जो कि शायद सबसे सस्ते 150cc में एक जाएगा, D150 जो आपका, सॉरी विक्रांत 150 और पल्सर 150 जो अभी लॉन्च हुआ है, वो दोनों का प्राइसिंग एकदम आसपास ही है, दोनों बहुत ही सस्ते 150s हैं और काफ़ी ठीक बाइक भी हैं। लेकिन पल्सर मुझे लगता है अभी थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, अगर आप फिर भी पल्सर लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। ये आप देख सकते हैं 150 का जो बेसिक वर्जन लॉन्च किया ना बजाज ने, जो कि 75,000 ऑन रोड आपको मिल जाएगा। इसमें टैंक्स में कोई फिन नहीं है, प्लेन टैंक है, प्लेन कलर है, कोई ग्राफिक्स नहीं, पीछे में ड्रम ब्रेक है, कोई डिस्क ब्रेक दिया नहीं गया है। और अब आप देखिए 150 का रियर डिस्क वर्जन, इसमें रियर डिस्क है, अलग ग्रैब रेल से 180 टाइप के स्प्लिट सीट्स हैं, ग्राफिक्स हैं, और ये आपको ऑन रोड 82,000 पड़ेगा। ये बेसिक सा पल्सर और उसके साथ जो 150cc का नया मॉडल लॉन्च किया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं पल्सर 150 का और एक वर्जन आया है, जिसमें कि रियर डिस्क दिए गए हैं, जिसमें कि 180 का व्हील, जो थिकर व्हील था वो प्रेजेंट है, स्प्लिट सीट्स कर दिए गए, ऑलमोस्ट बोला जाए तो 150 पल्सर को 180 बना दिया गया है, और उसका प्राइस आपको 82 ऑन रोड पड़ जाएगा। वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, उसमें आपको 2 डिस्क मिल जाते हैं, एक रोबस्ट लुक मिल जाता है 180 का, और 150 का बढ़िया माइलेज और पिकअप भी मिल जाएगा, उसमें स्टिकरिंग स्कीम्स भी काफ़ी कूल हैं, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप 150cc पल्सर लेना चाहते हैं, तो वो रियर डिस्क वाला पल्सर आप ले सकते हैं। बाकी बजाज की तरफ से अभी तो और कोई बाइक अवेलेबल अभी नया नहीं निकला है, 180 एवेंजर एक नया था, वो भी आप ले सकते हो, वो भी 1 लाख के अंदर आपको मिल जाएगी। और बात करें टीवीएस की, टीवीएस की इस साल तो और कोई न्यू लॉन्चेस नहीं है, आप अपाची 160 ले सकते हो, वो भी एक डिसेंट बाइक है, एक डिसेंट पावर पिकअप के साथ, अच्छा माइलेज, हैंडलिंग बहुत अच्छा है, पल्सर से काफ़ी अच्छा हैंडलिंग है अपाची 160 का।
और जो पुराने मॉडल के पल्सर्स थे वो काफ़ी बैड हैंडलर्स थे, जबकि अभी NS160 जो है, मैं उसको बताना भूल गया, वो काफ़ी अच्छा हैंडलर है, वो काफ़ी अच्छा बाइक है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है। तो Apache 160 और NS160 के अंदर एक कड़ी टक्कर हो सकती है, तो आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा बाइक अच्छा है, लगता है लुक वाइज और चलाने में और हैंडलिंग में, तो आप वो बाइक चूज़ कीजिए। बाकी सुजुकी का कोई अभी नया लॉन्चेस नहीं है, वही जिक्सर अवेलेबल है, जिस जिक्सर SF शायद 1 लाख के ऊपर चला जाए, ABS वर्सन, इंट्रूडर ABS भी 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख के आसपास ही है, आप ये सब गाड़ियाँ ले सकते हैं। तो गाइज ये था कुछ ऑप्शंस के बारे में वीडियो जो कि आप 1 लाख के अंदर ले सकते हैं, और इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे, आपका जिस जो पर्सनल प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली आप बाइक लीजिए। और आपको मैंने आने वाले वीडियोस में अगर कुछ जानना है किसी बाइक के रिव्यू के बारे में, डोमिनार के किसी पार्ट्स के बारे में, डोमिनार के किसी ऑक्सिलरी पार्ट्स के बारे में, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए बाइक के रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और नेक्स्ट टाइम आपको कुछ अच्छे लोकेशंस भी दिखाऊँगा, अभी पूरी में रथ यात्रा होने वाला है, उसके मैं वीडियोज़ आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, आपको मेरे से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या फिर मेरे में कुछ खामियां रह रही हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं सुधार करूंगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और आने वाले हैं कुछ और मज़ेदार वीडियोज़।